कई लोगों ने एक वीडियो शेयर करते हुए दावा किया कि योगी आदित्यनाथ ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का सार्वजनिक तौर पर अपमान किया। एक यूजर ने ये वीडियो शेयर करते हुए लिखा, ये इज्जत है केशव प्रसाद मौर्य की ढोंगी बाबा के आगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, वीडियो में योगी आदित्यनाथ किसी को फटकारते हुए दिख रहे हैं। यूपी कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से भी ये वीडियो पोस्ट किया गया। यूपी कांग्रेस ने सीधे तौर पर केशव प्रसाद मौर्य का नाम नहीं लिया, लेकिन तंज कसते हुए कैप्शन में स्टूल, चुप मुख्यमंत्री जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। और भी कई लोगों ने ये वीडियो शेयर करते हुए कहा कि योगी आदित्यनाथ ने डिप्टी सीएम का सार्वजनिक तौर पर अपमान किया और उन्हें मंच पर डांटा, जबकि वीडियो में केशव प्रसाद मौर्य है ही नहीं। आइए जानते हैं क्या है सच। आज तक की एक रिपोर्ट के मुताबिक वीडियो में दिख रहे व्यक्ति बीजेपी नेता विभ्राज चंद कौशिक हैं, और ये घटना बांसगांव विधानसभा क्षेत्र में हुए एक खेल प्रोग्राम की है, जहां योगी आदित्यनाथ मुख्य अतिथि के रूप में आए थे। हमने देखा कि विभ्राज चंद कौशिक ने अपने फेसबुक पेज पर इस कार्यक्रम की कुछ तस्वीरें शेयर की थी, जिनमें वो मंच पर दिख रहे हैं। इसके अलावा यूपी सरकार के यूट्यूब चैनल पर इस दिन का एक लंबा वीडियो शेयर किया गया था। वीडियो में 10 मिनट 5 सेकंड पर वायरल वीडियो का हिस्सा दूसरे एंगल से दिखता है। यहाँ देखने से साफ हो जाता है कि विभ्राट चंद कौशिक अपनी कुर्सी से उठकर योगी आदित्यनाथ के कान में कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन मुख्यमंत्री ने उन्हें बैठने को कह दिया था। ऑल न्यूज के साथ बातचीत में विभ्राट चंद कौशिक ने इस बात की पुष्टि की कि वीडियो में वही हैं और केशव प्रसाद मौर्य इस कार्यक्रम में शामिल भी नहीं हुए थे। पत्रकार मनीष पांडे ने 30 नवंबर को ये वीडियो ट्वीट किया था और उन्होंने लिखा था कि विभ्राट चंद कौशिक को सार्वजनिक रूप से फटकार लगाया गया। यानी कांग्रेस सहित कई लोगों ने ये गलत दावा किया कि योगी आदित्यनाथ ने केशव प्रसाद मौर्य को मंच पर डांटा। धन्यवाद।